विदिशा जिले के पठारी में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह का बाल भमौरा से पठारी तक जगह जगह स्वागत किया गया। बस स्टैंड से खुली जीप में रोड शो किया गया। उन्होंने जनता जनार्दन का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। सर्वप्रथम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंघई के निवास पर भव्य स्वागत किया गया। प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर के प्रसिद्ध करेला धाम पहुंचे और दर्शन कर आने वाले 23 के चुनाव के लिए आशीर्वाद लिया। करेली धाम में कार्यक्रम के आयोजक अजय सिंह गणी ने परिवार सहित स्वागत किया। आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म को न खतरा था और न ही रहेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खतरा बताकर समाज को बांटने का कार्य किया है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। रोजगार पर बात नहीं हो रही, महंगाई पर बात नहीं हो रही, शिक्षा पर बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है मंदिर पर, मस्जिद पर। देश किस ओर जा रहा है? आपने अभी हमारा भाषण सुना होगा, हमने बात करी महंगाई की, हमने बात करी बेरोजगारी की, क्योंकि आज के समय आम जनता परेशान है और भाजपा के लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आज एहसास हो गया है जनता को, वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, ये सरकार वोटों के आधार पर नहीं बनी, ये सरकार नोटों के आधार पर बनी है। हम सब ने आज संकल्प लिया है पठारी में कि आने वाले दिनों में हम सब मिलके काम करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और विशेषकर जो आम मतदाता है, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, चाहे हमारी माता बहनें हों, उनका मत प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे और पुनः 2023 में सरकार कमलनाथ जी की बनाएंगे, कांग्रेस की बनाएंगे। 2000 आगामी विधानसभा 2023 में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? जैसा मैंने अभी कहा, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा कर्ज माफी का हो, आखिर शुरुआत जो कर्ज माफी की थी कांग्रेस ने की थी, और जो योजना सरकार की होती है वो योजना कोई पार्टी की थोड़ी होती है। भाजपा का दायित्व था कि ये सरकार भी जो शेष कर्ज माफी थी उसको पूरा कर सकते थे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। हमने वादा किया है अगर अगले साल सरकार वापस कांग्रेस की बनती है तो जो शेष कर्ज माफी रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। पुनः बिजली के बिलों को 100 रुपये 100 यूनिट करेंगे। इसके अलावा हम ये प्रयास करेंगे कि जो आज बेरोजगार युवा घूम रहा है गाँव में शहरों में, उनके लिए नए रोजगार के पद स्थापित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, क्यों उसको आत्मनिर्भर जरूरत पड़ रही है? क्यों नेता कांग्रेस छोड़कर जाने को मजबूर है? ऐसी बात नहीं है, मध्य प्रदेश में जो बिकाऊ थे बिक गए, अब टिकाऊ रह गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।